गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सुदर्शन कुमार, आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वैद्युतिकी वायरिंग के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताऊंगा, जो आपके UPPCL TG2 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ जो कोई विद्यार्थी सेमेस्टर या एनुअल का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक के ऑब्जेक्टिव को बता चुके हैं। आज चलिए 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और मेरा वैसे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर को मशीन से पैनल बोर्ड और उससे मेन में जाना चाहिए अर्थ इलेक्ट्रोड की संख्या है। देखिए, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर को मशीन से पैनल बोर्ड और उससे मेन में जाना चाहिए, तो अर्थ इलेक्ट्रोड की संख्या बता रहा है। तो ये अर्थ इलेक्ट्रोड की संख्या 2 होता है, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन को समझिए। आपका 22 नंबर क्वेश्चन में एक सूची 1 है और दूसरा सूची 2 है। सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 में उपसाधन एवं उपकरण और सूची 2 में न्यूनतम आरोहण ऊंचाई की दिया हुआ है। देखिए क्या कर रहा है, न्यूनतम पूछ रहा है, कह रहा है छत पंखे के फर्श से दूरी होना चाहिए। छत पंखा का कह रहा है फर्श से दूरी कितना रखा जाता है उसके बारे में बताना है। तो छत पंखा का फर्श से दूरी जो होगा वो होगा आपका 2.75। समझ रहे हैं, 2.75। फिर कह रहा है सॉकेट आउटलेट, ये जो सॉकेट आउटलेट है सॉकेट आउटलेट के लिए होगा 1.3। ये जो सॉकेट आउटलेट होता है उसके लिए 1.3 मीटर होता है। फिर होता है, फिर दिया हुआ तीसरे में एसपी स्विच के बारे में बता रहा है। तीसरे नंबर में एसपी स्विच के लिए क्या होगा, तो एसपी स्विच के लिए भी एसपी स्विच भी लगा हुआ रहता है 1.3 मीटर पे। उसके बाद है मुख्य एंड शाखा वितरण बोर्ड, मुख्य एंड शाखा वितरण बोर्ड लगा रहता है 2 मीटर पे। इस तरह आपका ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर बी जो देख रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर बी सही है इसके लिए। चलिए उसके आगे देखिए, उसके आगे ये जो 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरफेस कंड्यूट वायरिंग में सैंडल्स के बीच की दूरी डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। सरफेस कंड्यूट वायरिंग में सैंडल के बीच की दूरी डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। ये सैंडल की बात की जा रही है कि सैंडल जो लगा हुआ रहता है उसकी दूरी कितना से हम लोग अधिक नहीं रखेंगे उसकी बात की जा रही है। तो इसके लिए क्या होता है कि सैंडल का जो बीच का दूरी होगा ना वो 1 मीटर से अधिक नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 24 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है,
24 नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि कंड्यूट वायरिंग में कपलर, बैंड, जंक्शन बॉक्स एवं टी प्रयोग किए जाने पर उक्त में से प्रथम सैंडल की दूरी डैश होना चाहिए। आप कंड्यूट वायरिंग कर रहे हैं, कंड्यूट वायरिंग में कपलर यूज किए, बैंड यूज किए, जंक्शन बॉक्स किए एवं टी प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें कह रहा है कि जो प्रथम सैंडल की दूरी होता है कितना से कम नहीं होना चाहिए, इसके बारे में बता रहा है। तो प्रथम सैंडल जो होता है वो 30 सेंटीमीटर के दूरी पे लगाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलिए, कह रहा है कि बैटन वायरिंग में 19 मिलीमीटर बैटन चौड़ाई के सीधे जोड़ के लिए ओवरलैपिंग भाग की कितनी लंबाई का प्रयोग करेंगे। बैटन की चौड़ाई दे दिया है आपको 19 मिलीमीटर है, तो ओवरलैपिंग भाग की कितनी लंबाई का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए हम लोग, देखिए ये 19 मिलीमीटर बैटन है, इसके लिए हम लोग 40 मिलीमीटर की लंबाई का प्रयोग करेंगे, जो ऑप्शन नंबर डी है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि चित्र के अनुसार कौन सा स्विच या स्विचेज ड्रेसिंग टेबल लैम्प को कंट्रोल कर सकता है। कौन सा स्विच जो कर रहा है ड्रेसिंग टेबल को कंट्रोल कर रहा है, उसके लिए देखिए ड्रेसिंग टेबल को कौन सा स्विच कंट्रोल कर रहा है। स्विच नंबर 1 और स्विच नंबर 2 इसमें बोल रहा है। क्या स्विच नंबर 1 और स्विच नंबर 2 ड्रेसिंग टेबल को कंट्रोल कर रहा है? तो यहाँ देखिए स्विच नंबर 1 या स्विच नंबर 2 ड्रेसिंग टेबल को कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो सिर्फ को सिर्फ इसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ वो सिर्फ इसमें स्विच नंबर जो डी नंबर है 1, यानी डी में है 1, सिर्फ वो सिर्फ केवल 1 स्विच, यही स्विच क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। चलिए उसके बाद हम लोग चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 27 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि बैटन पर क्लिप्स का प्रयोग कर स्विच बोर्ड के लिए केबल स्थापित करना है। बैटन पर क्लिप का प्रयोग कर स्विच बोर्ड के लिए केबल स्थापित करना। इन उपकरणों के बीच 3.6 मीटर की दूरी है। केबल के अनुप्रस्थ रूप से लगाने के लिए कितने क्लिप्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ गए होंगे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर में कह रहा है बैटन पर क्लिप का प्रयोग कर स्विच बोर्ड के लिए केबल स्थापित करना। इन उपकरणों के बीच 3.6 मीटर की दूरी है। केबल को अनुप्रस्थ रूप से लगाने के लिए कितने क्लिप्स की आवश्यकता होगी। तो ये ऑप्शन नंबर सी 37 है, जो सी सही है। 37 को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्लिप्स का प्रयोग करना होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को समझिए, 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन में आपका सूची 1 है और दूसरी तरफ सूची 2 है। सूची 1 में आपको दिया हुआ है वायरिंग, और हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, जैसे अस्थाई वायरिंग होता है तो अस्थाई वायरिंग का कहाँ प्रयोग करते हैं। तो अस्थाई वायरिंग देखिए क्या कह रहा है, अस्थाई वायरिंग का आप लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, तो क्लिट वायरिंग है। अस्थाई वायरिंग एक प्रकार का हमारा क्या है, क्लिट वायरिंग है, चूंकि ये टेम्प्रोरी होता है मेला वाला में करने के लिए। देखिए उसके बाद है कैंसिल्ड वायरिंग, कैंसिल्ड वायरिंग देखिए, कैंसिल वायरिंग का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, कैंसिल वायरिंग का जो प्रयोग हम लोग कर रहे हैं
वो हम लोग करते हैं आवासीय भवनों में निर्माण के समय स्थापित वायरिंग है। फिर देखिए कैसिंग और कैपिंग है, तो कैसिंग और कैपिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं। कैसिंग और कैपिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं यांत्रिक चोट से सुरक्षित वायरिंग, ठीक है। फिर एक है कंड्यूट वायरिंग, जिसको हम लोग कहते हैं सरफेस। इस कंड्यूट वायरिंग का हम लोग प्रयोग करते हैं आवासीय भवनों के निर्माण के बाद स्थापित वायरिंग। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर हो गया, उसके बाद चलिए 28 के बाद देखिए 28 के बाद ये इसको समझिए 28 के बाद ये 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2 है। इसमें देखिए एक तरफ आपका सिंबल है, दूसरी तरफ उसका नाम दिया हुआ है। एक तरफ सिंबल है, दूसरी तरफ नाम दिया हुआ है। आपको बताना है कि एनर्जी मीटर का क्या सिंबल होगा, उसको देखना है। तो एनर्जी मीटर का जो यहाँ देख रहे हैं, एनर्जी मीटर का सिंबल होता है 4 नंबर, ठीक है। फिर चलिए उसके बाद आईसी कट आउट का जो सिंबल होगा वो देखिए ये 3रा नंबर होगा। फिर मेन स्विच बोर्ड का सिंबल होता है ये 2रा नंबर। फिर वितरण बोर्ड का देखिए ये होगा। तो इस तरह ये ऑप्शन नंबर 1 जो आप देख रहे हैं एक सही है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को समझिए। थर्टी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पीवीसी चैनल सरफेस वायरिंग की मुख्य हानि क्या है। तो पीवीसी सरफेस वायरिंग की मुख्य हानि है ज्वलनशील और आग का खतरा। पीवीसी आप जानते हैं पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड चैनल सरफेस वायरिंग है, तो ये सबसे ज़्यादा खतरा होगा, ज्वलनशील और आग का खतरा मुख्य हानि यही है। 30 नंबर हो गया। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किस प्रकार की वायरिंग प्रणाली का उपयोग उन स्थानों पर नहीं करना चाहिए जहां धूप और बारिश का खतरा होता है। कौन सा वायरिंग का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे जहां धूप और बारिश का खतरा है। धूप और बारिश के जगह पे हम लोग कौन सा वायरिंग नहीं करना चाहिए उसके बारे में पूछ रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्लीट वायरिंग नहीं करेंगे। ये धूप और वायरिंग से खतरा होता है, क्लीट वायरिंग ऑप्शन नंबर 1। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है धातु कंड्यूट डैश से जंग के खिलाफ सुरक्षित की जा सकती है। धातु कंड्यूट डैश से जंग के खिलाफ सुरक्षित की जाती है, तो किससे, तो उसके लिए हम लिखेंगे गैल्वेनाइज। धातु कंड्यूट गैल्वेनाइज ऑप्शन नंबर 1 सही है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सैंडल के द्वारा जब कंड्यूट पाइप फिटिंग करते हैं तब फिटिंग के लिए कितनी दूरी होना चाहिए। सैंडल के द्वारा जब कंड्यूट पाइप फिटिंग करते हैं तब फिटिंग करने के लिए कितनी दूरी होना चाहिए, तो 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्लियर। तो उसके लिए कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर होना चाहिए।
चलिए 34 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कंड्यूट पाइप को बैंड करने के लिए न्यूनतम झुकने वाली त्रिज्या क्या होना चाहिए? अब कंड्यूट पाइप को बैंड करने के लिए न्यूनतम झुकने की त्रिज्या कितना होनी चाहिए? तो उसके लिए हमको 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, बी नंबर। ये सारा जितना भी बता रहे हैं आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग जरूर से जरूर ध्यान दें। चलिए उसके बाद आइए 35 नंबर क्वेश्चन के। 35 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि तारों में इस्तेमाल कंड्यूट पाइप व्यास में किस न्यूनतम आकार का होना चाहिए? तारों में इस्तेमाल कंड्यूट पाइप व्यास में किस न्यूनतम आकार का होना चाहिए? तो किस न्यूनतम आकार का होना चाहिए, तो इसमें पूछ रहा है व्यास में किस न्यूनतम आकार का होना चाहिए, तो ये 15 मिलीमीटर का होना चाहिए। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 36 नंबर में कर रहा है केबल पाइप के द्वारा डाली जाती है और बंद की जाती है। केबल पाइप के द्वारा डाली जाती है और बंद की जाती है, वायरिंग की यह प्रणाली कहलाती है। यह कौन सा वायरिंग का प्रणाली कहलाएगा? केबल पाइप के द्वारा डाली जाती है और बंद की जाती है, तो पाइप के द्वारा डालेंगे और बंद करेंगे तो यह प्रणाली मेरा कंड्यूट वायरिंग प्रणाली कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कंड्यूट पाइप में प्रयोग होने वाले मोड़ का व्यास इससे कम नहीं होना चाहिए। किससे कम नहीं होना चाहिए? तो ये 3 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। कंड्यूट पाइप में प्रयोग होने वाले मोड़ का व्यास इससे कम नहीं होना चाहिए, यानी 3 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। चलिए 38 नंबर में कह रहा है सभी परिस्थिति में कंड्यूट पाइप पर थ्रेड की लंबाई इसके बीच में होनी चाहिए। सभी परिस्थिति में कंड्यूट पाइप पर थ्रेड की लंबाई इसके बीच में होनी चाहिए, तो किसके बीच में होनी चाहिए, तो ये 15 से 35 मिलीमीटर, जो ऑप्शन नंबर डी है, 15 से 35 मिलीमीटर के बीच में होनी चाहिए। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि आपको करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।